नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 40-42 डिग्री के तापमान में जलती चुभती गर्मी झेल रहे लोगों को जल्द ही इससे राहत मिलने वाली है, क्योंकि मॉनसून आने वाला है। इस भीषण गर्मी ने लोगों को जलाने के साथ ही कई नदी तालाबों को भी सुखा दिया है, तो वहीं पीने के पानी के लिए भी लोग जूझते दिखे। पानी के संकट से पीएम मोदी भी चिंतित है, इसीलिए उन्होंने देश भर के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है और उनसे इस मॉनसून में खास अपील की है, जो है तो बहुत छोटी बात लेकिन भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्राम प्रधानों को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के संकट को लेकर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखते हुए उन्हें आने वाले मॉनसून के दौरान भारी मात्रा में जल संरक्षण करने के लिए कहा है। पीएम मोदी के हस्ताक्षर वाले पत्रों को जिलों के संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों के जरिए ग्राम प्रधानों को सौंप दिया गया है। पीएम मोदी से मिले पत्र से ग्राम प्रधान काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पास स्थित सोनभद्र के 637 ग्राम प्रधानों को ये पत्र दिया गया। पीएम मोदी ने अपने पन के साथ लिखे पत्र के जरिए जल संरक्षण की अपील की है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है, प्रिय सरपंच जी नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आप और पंचायत के मेरे सभी भाई और बहने पूरी तरह स्वस्थ होंगे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमें पर्याप्त वर्षा जल का आशीर्वाद मिला है। हमें इस आशीर्वाद के संरक्षण के लिए सभी प्रयास और व्यवस्था करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक पेज के पत्र में प्रधानों से विशेष अनुरोध किया है कि वे ग्राम सभा की बैठक बुलाएं, जिसमें उनके संदेश को पढ़ा जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि इस गांव में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मुझे आप सभी पर भरोसा है कि बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में जल संरक्षण के तरीके भी बताते हुए चेक डैम और तालाबों के निर्माण का सुझाव दिया है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन बना दिया और गांव-गांव में शौचालय का भी निर्माण कराया, कुछ इसी तरह मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में जल संरक्षण पर जोर देने जा रही है। मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया है। ऐसा पहली बार है कि किसी सरकार ने जल संरक्षण के लिए मंत्रालय बनाया है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने गजेंद्र सिंह शेखावत को दी है। यूपी के अमरोहा जिले में तो जल संरक्षण की तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। डीएम ने 775 तालाब खुदवाने की योजना बनाई है, जबकि 500 तालाबों पर काम भी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक 15 जून को हुई नीति आयोग में भी जल संरक्षण पर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस मॉनसून में मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण के लिए योजना बना रही है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार की इस मुहिम को जनता का कितना साथ मिलता है।